सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम गेम प्ले करने वाले हैं मेरे फर्स्ट एवर मल्टीप्लेयर मैच जो कि मैंने RC22 में खेला है। वैसे खेला है क्या, खेलने जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर मेरी टीम जो है उसका नाम है हशीवन और ओपोनेंट की जो टीम है उसका नाम हार्डोन मलिक है। तो ये उसकी टीम का लाइनअप है और अब आएगा मेरी टीम का लाइनअप। तो ये जो है लाइनअप ये मेरी टीम का है, तो देखकर बताना कि आप कितने प्लेयर्स को जानते हो और कितने प्लेयर्स को नहीं जानते हो, और मेरी टीम में सबसे फेवरेट प्लेयर आपका कौन सा रहा। तो यहाँ पर टॉस हम जीते थे और हमारी बैटिंग आई है और पहली ही बॉल क्या बढ़िया स्विंग हुई और सीधा बॉडी पर आके लगी। सेम बॉल डालने की कोशिश है यहाँ पर, लेकिन इस बार मैं तैयार था और मेरे टीम के ओपनिंग बैट्समैन ने यहाँ पर बहुत ही शानदार शॉट चौके के साथ अपना खाता खोला। एक और बार वही बॉल फिर से हटकर एक और बार पुल शॉट खेल दिया और यहाँ पर दो बॉलों में दो चौके यानी कि बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई और ओपोनेंट जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पर है। और यहाँ पर मैं देखो, मुझे लग ही रहा था कि ये विकेट्स पर नहीं आएगी, इसलिए मैं पहले ही हट गया और ये एक वाइड बॉल हो गई है। नेक्स्ट बॉल डालने को तैयार, यहाँ पर सीन एबोट बॉलिंग कर रहा है और बहुत ही ख़राब बॉलिंग कर रहा है अब तक। यहाँ पर दो वाइडें डाल दी बैक टू बैक, तो यहाँ पर अब तक तो इस मैच में मैं आगे हूँ, देखते हैं बाकी क्या होता है। और यहाँ पर क्या गजब की यॉर्कर बॉल दी है, सीधा एकदम स्लोवर बॉल थी, यॉर्कर थी, और मेरे हिसाब से तो ये प्लम आउट है। बाकी आपको आउट लगा या नहीं लगा कमेंट करके बताना। और नया प्लेयर यहाँ पर आया है अनुज रावत, तो इस प्लेयर को आपने RCB की टीम में भी देखा होगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये कितना स्कोर कर पाता है। पहली बॉल पर तो छक्का लगाया, सेकंड बॉल यॉर्कर बॉल और यहाँ पर सिंगल के चक्कर में यहाँ पर हमारी टीम यानी कि हशीवन का सेकंड विकेट भी गिर चुका है। और अब तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हर वीडियो में बोलता हूँ उसी तरह इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। और यहाँ पर थोड़ी सा ध्यान भटका, नज़र हटी, दुर्घटना घटी और यहाँ पर तीन विकेट्स ले चुकी है ओपोनेंट टीम। थोड़ी सी बैटिंग वीक लग रही है मुझे अब तक और मुझे थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आ रहा है यहाँ पर किस टाइप से शॉट्स खेलने हैं और क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है मल्टीप्लेयर है तो फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस होगा। तो देखते हैं कि मैं कितना स्कोर कर पाता हूँ। स्टार्ट तो एक तरह से अच्छी हुई है, दो बाउंड्रीज लगाई थी और फिर एक सिक्स भी लगाया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ओपोनेंट ने क्या बढ़िया तरीके से वापसी की है। हैट्रिक बॉल थी और उसको बढ़िया तरीके से चौके के लिए खेला। बार बार ये कंटिन्यूसली यॉर्कर बॉल्स डाले जा रहे हैं और एक और विकेट ये तो सीधा बोल्ड हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हट के खेलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बॉल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और उस बॉल पर विकेट मिला, लेकिन सेम शॉट मैंने इस बॉल पर खेला और यहाँ पर मिल गया मुझे शानदार बाउंड्री चार रन के लिए। एक और यॉर्कर बॉल एक और बार हट के खेला और ये बॉल गई है सीधा छः रन के लिए। बहुत ही बढ़िया बैटिंग हो रही है अब लग रहा है। यहाँ पर शॉर्ट पिच बॉल मयंक मार्कंडी की तरफ पुल शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर एक और शॉर्ट पिच बॉल और इसको आराम से गैप में खेल दिया क्योंकि दो बॉलें डॉट हो चुकी थी और यहाँ पर इसने मिस फील्ड कर ली, तो मुझे यहाँ पर तीन रन आराम से मिल जाएंगे और स्ट्राइक पर आ जाएगा कॉर्नवॉल। और यहाँ पर देखो कॉर्नवॉल कितना पतला बता के रखा है, लेकिन रियल में वो पतला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मोटा है। और किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा ये कौन प्लेयर है, तो मैं बता देता हूँ कि ये वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलता है और अभी शायद नहीं खेलता है, लेकिन बीच में खेलता था, ऑफ स्पिन भी करता है साथ में, तो एक अच्छा ऑलराउंडर। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मैंने डाइव लगाई थी, मुझे यहाँ पर लग रहा था कि ये नो डाउट होगा, लेकिन अंपायर का मानना कुछ और है और हमारा एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। छः विकेट गिर चुके हैं और बहुत ही कम स्कोर हुआ और एक और सटीक यॉर्कर और बोल्ड हो चुका है यहाँ पर। एक प्लेयर नया प्लेयर आया है यहाँ पर रईस, बढ़िया तरीके से खेला, दो रन आराम से मिल जाएंगे। देखते हैं और कोई रन मिल पाता है या नहीं मिल पाता। दो के साथ यहाँ पर हमें ब्रेक लगाना होगा और डायरेक्ट हिट, बहुत ही गजब की बॉलिंग कर रही है यहाँ पर और बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग भी कर रही है यहाँ पर जो हार्डोन मलिक की टीम है। यहाँ पर मेरे 42 रन हो चुके हैं और ये क्या किया, ये मैंने सेम वही मिस्टेक की जो मैंने KL राहुल के साथ लास्ट वीडियो में करी थी। ओवर थ्रो में मैंने थोड़ा सा जल्दी दौड़ा दिया प्लेयर को और एक विकेट गिरवा दिया और उस विकेट के बाद एक और विकेट गिरवा दिया। यहाँ पर बहुत ही ख़राब बैटिंग और बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस किया और यहाँ पर एक और विकेट
हमारी टीम हो चुकी है ऑल आउट 42 पर 10 विकेट्स गिर चुके हैं। अब देखते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ तक ये बहुत ही ख़राब परफॉर्म किया है मैंने, तो हार्डन मलिक की जो टीम है वो आराम से ये रन चेस कर लेगी और इजीली ये मैच जीत लेगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर रवि बोपारा और जेम्स विंस आए हैं बैटिंग करने के लिए और हमारी टीम से रईस डाल रहा है पहली बॉल। तो मैं पहली बॉल तो ऐसे ही डालता हूँ, चेक करता हूँ कि बैट्समैन कौन सी बॉल डाल रहा है, उसके बाद हम फील्ड सेट और सब कुछ करेंगे। ये नॉर्मल फील्ड रखी है मैंने, तो देखते हैं क्या शॉट खेलता है यहाँ पर बैट्समैन। और फ्लिक शॉट खेला है पहली बॉल पर, बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है यहाँ पर, चार रन आराम से बटोर लिए। तो अब हम फील्ड चेंज करेंगे, मैं सेकंड फील्ड रख लेता हूँ जो कि मुझे अच्छी लग रही है वाली फील्ड, के रन रुक सकते हैं इस फील्ड में। तो हाँ चलो मैं यही फील्ड डिसाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर अब मैं सेम बॉल डालूँगा, देखते हैं अब किस डायरेक्शन में खेला था, मतलब खेलेगा, क्योंकि फर्स्ट जो शॉट खेला था वहाँ पर मैंने फील्डर रखा हुआ है और यहाँ पर अलग शॉट खेलने की कोशिश, जाल में फंस गए और डॉट बॉल हो चुकी है, बॉडी पर जाके लगी सीधा बॉल। ये एक ऑफ कटर डालने की कोशिश है मेरी, फिर से एक अलग शॉट खेलने की कोशिश और यहाँ पर फिर से बॉल जाकर लगी बॉडी पर और वापस से इन स्विंग बॉल है और एक और बार बॉल जाकर लगी बॉडी पर। तीन लगातार बॉलें बॉडी पर लग चुकी है, तो अब तो मैं इनको यही बोलूँगा कि आउट हो जाओ और यहाँ पर कैच दे दिया और आउट भी हो गया यहाँ पर जेम्स विंस। चार रन पहली बॉल पर बहुत ही शानदार तरीके से मारे थे, लेकिन अगली चार बॉलों पर जो हमने वापस से रिकवर किया है, बहुत ही गजब की मतलब बॉलिंग करी है मैंने, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी आपको कैसी लगी, एक और बार बॉल जाकर लगी सीधा बॉडी पर, कमेंट करके बताना कि मेरी बॉलिंग कैसी है। और अगर ऐसा हो गया एक ओवर से कैसे डिसाइड करें, तो थोड़ी और बॉलिंग देख लो। यहाँ पर पांच ओवर तो मैं शायद तक डाल दूंगा और यहाँ पर गजब की लेग स्पिन हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश थी, लेकिन बैट्समैन को जाना होगा वापस पवेलियन। यहाँ पर अब बैटिंग कर रहा है जे मोहम्मद और साथ में है रवि बोपारा और यहाँ पर कैच उठा है, बहुत ही बढ़िया डाइव लगा के यहाँ पर कैच पकड़ा। यहाँ पर मयंक मार्कंडे ने दो बॉलों पर दो विकेट्स ले लिए हैं, बहुत ही गजब की बॉलिंग कर दी है अब तक। ये टॉप स्पिन डालने की कोशिश है और यहाँ पर पीछे की तरफ खेलने की कोशिश, एक और कैच उठा और एक और विकेट, मयंक मार्कंडे ने यहाँ पर हैट्रिक ले ली है। गुगली बॉल डालने की कोशिश है, हर बॉल अलग तरीके से डालने की कोशिश है यहाँ पर मयंक मार्कंडे की, और एक और कैच। यहाँ पर क्या हो रहा है, चार बॉलों में चार विकेट के साथ मैंने यहाँ पर मलिंगा का जो रिकॉर्ड है वो इक्वल कर लिया है। देखते हैं पांचवी बॉल पर विकेट मिलता है या क्या होता है। लेग स्पिन डालने की कोशिश है, थोड़ी सी पेस ज़्यादा रखी है और इस बार अच्छे से टाइम हुआ और बॉल जा रही है चार रन के लिए। बहुत ही गजब की बॉलिंग की वैसे अब तक मयंक मार्कंडे ने, चार बॉलों में चार विकेट ले लिए हैं और ओपनिंग टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर डाल दिया है। और एक और बार लेग स्पिन और इस बार फिर से ख़राब कनेक्शन और एक और विकेट यहाँ पर मिलता हुआ मयंक मार्कंडे को। पांच विकेट ले लिए मयंक मार्कंडे ने उस ओवर में और सिर्फ चार रन दिए हैं यहाँ पर। ओपनिंग टीम के आठ रन पर छः विकेट गिर चुके हैं, बहुत ही ख़राब हालत हो गई है यहाँ पर। और ख़राब हालत से निकलने के लिए एक अच्छा शॉट खेला यहाँ पर, गैप में खेला और चार रन ईजीली मिल जाएंगे। एक यॉर्कर बॉल डालने की कोशिश है यहाँ पर मेरी स्पिनर से, देखते हैं क्या शॉट खेलता है यहाँ पर बैट्समैन। मयंक मार्कंडे बैटिंग कर रहा है और इस यॉर्कर को समझ नहीं पाए, एक और विकेट निकाले हैं यहाँ पर हमारे बॉलर ने, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग होती है। 12 रन पर 6 विकेट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा लास्ट बॉल डॉट थी, मुझे लगा विकेट मिल गया, लेकिन इस बॉल पर विकेट मिल गया। तो यहाँ पर 12 रन पर 7 विकेट गिर चुके हैं, एक ऑफ स्पिन डालने की कोशिश है और एक और डॉट बॉल। बैट्समैन को फुल बॉल खेलना आ ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या शॉट खेले क्या नहीं खेले, और इसी का हम फ़ायदा उठा रहे हैं, हम कंटिन्यूसली फुल बॉल डाले जा रहे हैं। यहाँ पर इजीली दो रन मिल जाएंगे, तो नहीं दो रन नहीं मिल पाएंगे, मुझे लग रहा था कि ये दो रन इजीली मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ क्लियर आउट था। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फील्डिंग हमारी टीम भी कर रही है और मज़ा आ रहा है इस मैच को खेलने में। वैसे मल्टीप्लेयर में खेलने का एक मज़ा तो है ही, कंपेयर करें अपन अगर एआई से खेलने जाएं। और यहाँ पर एक और विकेट, 13 रन पर 9 विकेट गिर चुके हैं, 43 रन का टारगेट है। अब मुझे लग रहा है कि ये मैच तो हमारा ही है और यहाँ पर जय पटेल को लाया हमें बॉलिंग करने के लिए,
पहली बॉल को बढ़िया तरीके से खेला, यहाँ पर बैट्समैन ने दो रन आराम से मिल जाएंगे, गैप में था ये शॉट और बस एक विकेट चाहिए हमें। बस मैं वही वेट कर रहा हूँ कि वो बॉल आएगी कब और विकेट मिलेगा कब हमको। यहाँ पर एक ऑफ स्पिन डालने की कोशिश है और ये क्या बैट्समैन से बैट घुमाया, हवा से कॉन्टेक्ट किया और बॉल उनको समझ ही नहीं आई कि कौन सी जा रही है। यहाँ पर एक आम बॉल डालने की कोशिश है मेरी और सीधा खेल दिया, कैच है, फील्डर वहाँ पर मौजूद और 10वां विकेट भी गिर चुका है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉलिंग, और ये क्या किया इसने, अरे मैच हार रहा है तो लीव क्यों कर दिया। ये आदत मुझे बहुत ख़राब लगती है इन सब की कि मैच हार रहे हो तब लीव कर दो या ऐसा कुछ कर दो। अगर हार ही रहे हो तो फिनिश करके जाओ, कम से कम एक फ्रेंडली मैच की तरह हैंडशेक और वो सब तो होगा। तो ये वीडियो जीते भी लोग देख रहे हैं तो मैं उन सभी को बोलता हूँ कि अगर हार ही रहे हो तो फिर आप मैच फिनिश करके ओपन एंड टीम से हाथ मिलाकर भी एंड कर सकते हो, लीव करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो आप सभी भी ध्यान रखना कि आपको लीव नहीं करना है। और एक और बार अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ये गेम प्ले पसंद आया होगा, ये अगर मेरी बॉलिंग पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे सेफ।